नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उपरत्नों के बारे में। बहुत सारे मित्र उपरत्न खरीदने की बात करते हैं। बहुत सारे मित्रों का ये प्रश्न होता है कि जो नवरत्न है, माणिक, मोती, मूंगा, पुखराज, नीलम, जो जेन्युइन स्टोन है, जो हमारे धर्मशास्त्रों से वेरीफाइड हैं, उनके प्रभाव में और उनके जो उपरत्न हैं उनके प्रभाव में कितना फर्क होता है, क्या अंतर होता है। जैसे बुध का रत्न है पन्ना, उपरत्न है ओनेक्स, तो पन्ने के और ओनेक्स के प्रभाव में उसके रिजल्ट में क्या फर्क होगा। तो आज मैं आपको इस विषय को स्पष्ट करूंगा कि राशि रत्नों में जो हमारे नवरत्न हैं और उनके जो उपरत्न हैं उनके प्रभाव में कितना अंतर होता है और आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में अविलंब आगे बढ़ते हैं। रत्नों का प्रभाव 100% होता है, बशर्ते आपकी राशि आपके लगन के अनुसार वह सटीक होना चाहिए। आप किसी योग्य ज्योतिषी से परफेक्ट जो जानकारी रखता है राशि रत्नों के विषय में, उससे राय लेकर रत्न धारण करें। किस समस्या के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इसकी बारीक जानकारी उसको होनी चाहिए जिसकी सलाह पर आप रत्न पहनते हैं। तो रत्नों का तो 100% प्रभाव होता है, बशर्ते आपका रत्न दोरंगा ना हो, टूटा फूटा ना हो, स्क्रैच ना हो, उसमें कोई दाग धब्बा ना हो, तो उसका और बहुत ज़्यादा धूमिल यानी कि उसकी चमकहीन ना हो, उसके अंदर चमक होनी चाहिए। अब जहाँ तक बात उपरत्नों की है, अगर उपरत्नों को हमारे धर्मशास्त्रों में या जानकारों ने स्थान दिया है रत्नों की दुनिया में, तो कोई ना कोई रीजन तो उसका है। लेकिन उसके पीछे लगा है उप, उप माने सेकेंड, प्रधान, उप प्रधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो उप का मतलब ही होता है सेकेंड ईयर, लोअर क्लास। तो यहाँ पर मैं अपने सभी व्यूअर्स से यह बताना चाहूँगा, उपरत्नों का प्रभाव तो होता है लेकिन उपरत्न भी असली होने चाहिए। यहाँ पर दो श्रेणी आते हैं उपरत्नों में, डुप्लीकेट ही बहुत ज़्यादा है, कांच मिक्स, प्लास्टिक मिक्स, बहुत सारे चीज़ें मार्केट में हैं। तो पहली बात तो जो आपका उपरत्न है वह उपरत्न भी 100% जेन्युइन, नेचुरल और लैब टेस्टेड होना चाहिए। ओनेक्स है, तुरमुली है, पुखराज का उपरत्न सुनहला है और बहुत सारे उपरत्न हैं, 84 प्रकार के उपरत्नों की जो है, संघ सितारा है, टाइगर है, बहुत सारे उपरत्न मार्केट में हैं अलग अलग प्रयोग के लिए। लेकिन आपका उपरत्न भी लैब टेस्टेड और ओरिजिनल होना चाहिए। उपरत्न लेकिन है तो रत्न ही, वह कांच या प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। तो वह निश्चित रूप से आपको 100 नहीं तो 50, 50 नहीं तो 40 अपनी वैरायटी के हिसाब से कुछ न कुछ लाभ तो आपको मिलेगा, उसका कोई ना कोई प्रॉफिट तो होगा, ग्रह के अनुसार उसका फ़ायदा आपको होगा। ग्रह की किरणों पर साइंटिफिक तरीके से उपरत्न भी काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और काला सच यह है कि आपका उपरत्न भी, एक तो पहले से ही वह उपरत्न है, ऊपर से उसमें भी डुप्लीकेट ही प्लास्टिक है, कांच है, क्या है, तो उसमें भी जांच परख करके आप धारण करें। मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।